दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है 22 मार्च 2024 से IPL शुरू हो रहा है, IPL 2024 स्टार्ट हो रहा है और TV पर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनल्स पर इस मैच का प्रसारण किया जाएगा, उसमें से स्टार उत्सव मूवीज़ भी एक है और ऐसा एक ऑफिशियल ट्वीट से पता चला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के। दोस्तों स्टार उत्सव मूवीज़ DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, यानी कि अगर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के द्वारा इस मैच का प्रसारण स्टार उत्सव मूवीज़ पर भी किया जाएगा तो DD फ्री डिश उपभोक्ता भी देख पाएंगे। दोस्तों ऐसी क्या वजहें हैं कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को स्टार उत्सव मूवीज़ पर भी सेलेक्ट मैचेस का ही सही लेकिन ब्रॉडकास्टिंग करना पड़ रहा है, सीधा प्रसारण करना पड़ रहा है, दोस्तों इसके बारे में बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बने रहें इस वीडियो के अगले हिस्से में, डिटेल में बातें होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल DS। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स IPL 2024 के हैं, TV पर आप इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से और जियो सिनेमा ऐप पर। दोस्तों आप ऑनलाइन यानी कि मोबाइल पर जियो सिनेमा ऐप के माध्यम से और JioCinema.com पर आप वेबसाइट के माध्यम से इस मैच को स्ट्रीम कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं ऑनलाइन। तो कहने का बात यह है दोस्तों कि क्योंकि जियो सिनेमा पर मुफ्त में दिखाया जा रहा है, दोस्तों जियो सिनेमा को आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप जियो सिनेमा ऐप ओपन करिए और वहां से आप IPL 2024 जो कि 22 मार्च से शुरू हो रहा है आप देख सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब आते हैं दोस्तों टीवी पर, तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनल से जिन पर इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा, पेड DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिश टीवी हो गया दोस्तों, टाटा प्ले हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म पर इस मैच को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। अगर सभी मैचेस को देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो उसका प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा, इसके बाद आप IPL 2024 देख सकते हैं, जबकि जियो सिनेमा ऐप के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में दिखाया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर इसी बात को काउंटर करने के लिए डिस्नी स्टार ने क्या किया है कि कुछ सेलेक्ट मैचेस स्टार उत्सव मूवीज़ पर भी दिखाया है, स्टार उत्सव मूवीज़ पर भी दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ओपनिंग मैच तो दिखाया ही जाएगा, अब देखने वाली बात यह होगी कि पिछले साल जैसे कि कुल 12 मैचेस दिखाए गए थे स्टार उत्सव मूवीज़ पर, क्या इस बार भी वो 12 मैचेस ही दिखाएगा या फिर कुछ संख्या बढ़ सकती है IPL 2024 में। अब समझने की बात यही है दोस्तों कि क्योंकि जियो सिनेमा पर फ्री दिखाया जा रहा है IPL 2024, इसीलिए कम से कम DD फ्री डिश उपभोक्ताओं को एक मौका है कि IPL 2024 के मैचेस देख सकें, और ऐसा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या पता कुछ लोग पेड DTH प्लेटफॉर्म से जुड़ें और फिर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पेड चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, पेड DTH सेटअप बॉक्सेस भी परचेज करें। तो एक लंबी प्लानिंग है दोस्तों, अपने साथ ग्राहकों को जोड़ने का एक तरीका है, DD फ्री डिश कस्टमर्स को जोड़ने का एक तरीका है, जबकि कुछ मीडिया सोर्सेज में ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जियो सिनेमा ऐप पर फ्री में उपलब्ध है, इसी बात को देखते हुए स्टार उत्सव मूवीज़ के ही माध्यम से सही DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भी कुछ मैचेस फ्री में दिखाने का निर्णय स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने लिया है। तो दोस्तों कारण चाहे जो भी हो, फ़ायदा कस्टमर्स का ही होना चाहिए, यानी कि जो भी उपभोक्ता हैं DTH प्लेटफॉर्म के, खास करके DD फ्री डिश के, उनका तो हो ही रहा है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कुछ मैचेज स्टार उत्सव मूवीज़ के माध्यम से DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए मिलेंगे। आपका इस विषय में क्या सोचना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताएं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अन्य कोई और सवाल है इस वीडियो संबंधित वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।